कुछ उसमें सच्चाई नहीं है, खाली बकवास है जी। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा, मैं सीएम का पद का दावेदार हूँ ना कभी था ना मैंने कहा जी। ठीक बात है, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कब कहा मैंने, मेरी कोई वीडियो दिखा दीजिए। और वैसे ही मीडिया वाले पेल देते हैं किसी खबर को, तो उसका क्या इलाज। तो बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे राजनीतिक महत्व। अब ये इस बात पे आज मीटिंग नहीं थी, मैं इस बात पे बोलना नहीं चाहता। मैं आपको बता हटा हूँ की ना मैंने कहा मीटिंग बता देना लड़ूंगा वहाँ पे। कब कहा मैंने, मेरी कोई वीडियो दिखाई। जो अगला जो कार्यक्रम है उनके बारे आज मीटिंग हुई है, और 15 अगस्त को पिपली में जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ था, पिपली चौक, किसान क्रांति चौक हम उसको बोलते हैं, कि पूरे देश के अंदर जो क्रांति की लहर चली है वो वहाँ से चली है, जहाँ पे कई लोगों के सिर फूटे थे, कईयों की हड्डियाँ टूटी थी। ये आंदोलन की शुरुआत 10 सितंबर को वहाँ से हुई थी। वहाँ पे झंडा फहरा के और वहाँ से 15 अगस्त की जो है वो यात्रा शुरू करेंगे, और जो रास्ते में जो आगे जो लोग होंगे अगले जिलों वाले साथ होते हुए मोटरसाइकिलों पे, तो तिरंगे फहराते हुए ये कुंडली बॉर्डर तक जाएंगे। ये जो बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं का एक जवाब है कि आप लोग तो तिरंगे को अपनी सत्ता के लिए यूज़ कर रहे हो। जब तिरंगे को आज़ाद कराने का सवाल था तब इनकी आरएसएस थी, बीजेपी तो तब थी नहीं, लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। आरएसएस देश की आज़ादी से किनारे रही है, और 60 साल तक आरएसएस ने अपने दफ्तर पे जो राष्ट्रीय झंडा है वो नहीं फहराया है। आज ये झंडे के ठेकेदार बनते हैं केवल इसलिए कि देश के किसानों ने इनको भगाना शुरू कर दिया है। अब ये झंडे की ओट लेके, झंडे का आसरा लेके, उसका सहारा लेके ये गांवों में घुसना चाहते हैं। तो लेकिन हमने फिर भी ये कहा है कि झंडे का सम्मान हम करते हैं, क्योंकि झंडे की रखवाली भी हम ही कर रहे हैं तिरंगे की। हमारे जो परिवारों से वो सैनिक सीमा पे शहीद हो रहे हैं, तो पहले भी नहीं जाता था मंच पे, है क्या जाने के लिए मंच पे, क्या वहाँ पर थोड़े से आदमी होते हैं, बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता उससे। तो कैसे उससे किसान आंदोलन कैसे चलेगा अगर आप कह रहे हैं कि मंच पर ही नहीं जाएंगे, मतलब संयुक्त किसान मंच पर जा रहे हैं, बाकी लोग मेरे जाने से क्या वहाँ पे वो मंच रुक गया। मंच की तो कोई बात ही नहीं है, मैटर ही नहीं मंच का। मंच पे पहले कौन सा मरोज जाता था जब वहाँ